नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम भी अच्छे हैं। और आज हम गेहूं की खेती में जा रहे हैं। और गेहूं तो बारिश से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, फिर भी इधर तो ओले नहीं पड़े हैं, इसलिए अच्छे से दिख रहे हैं। इतना सुंदर गेहूं हो रखा है यहाँ पे दोस्तों, बहुत अच्छे से। और आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो पता नहीं आज भी बारिश आती है कि कल तो बारिश थी यहाँ पे दोस्तों। ये चारों तरफ गांव का दृश्य, यह नेशनल हाईवे। मौसम बहुत खूबसूरत सुहाना होते हुए और हम आ रखे हैं गेहूं देखने। पिछले ब्लॉग में हमने दिखाया होगा गेहूं हरे हरे थे, थोड़े से बड़े थे, ये बारिश की वजह से ख़राब हो गए। 25% खेती ख़राब हो गई है। ओले और बारिश हुई थी तीन चार दिन, परसों रात को भी खूब तूफान आया था और उसमें सारे उलट पुलट हो गए गेहूँ और खेती का नाश हो गया इस बार। इधर ये नई कॉलोनी कट रही है दोस्तों, ये डेवलप हो रहा है यहाँ पे एरिया। टीवी मंडावर का बहुत बड़ा एरिया है। आज हम दूसरी साइड में आ रखे हैं क्योंकि इधर में गेहूं देखने आए हम। गेहूं की खेती बहुत अच्छी लगी हुई थी मगर बारिश ने ख़राब कर दिया। ऐसे लग रहा है जैसे शाम तक बारिश हो जाएगी। कल सुबह भी बारिश थी यहाँ पे और गेहूँ तो बहुत अच्छे से पके हुए हैं। सामने एक छोटी सी कंपनी है। हेलो, मैं भी घूमने आ रखा हूँ। आप भी गेहूँ देखने आ रखे हो? यस, गेहूँ देखने आ रखा हूँ मैं भी। हमने बोला थोड़ा घूम के आते हैं। मन कर रहा है इनको सबको काट लूँ फटाफट फटाफट। मैं तो बहुत जल्दी काट देती इनको। अगर गढ़वाल की बात होती तो कब के कट जाते हैं गेहूँ। और यहाँ पे तो बस खाली मन ही मन करता रहता है कि हाँ ये काट लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। ये रुड़की है और हम इस समय रुड़की में है और बहुत अच्छा लग रहा है गेहूँ। पहले हमने 15-20 दिन हो गए, हम उस समय गए थे हरे गेहूँ, वहाँ पे हरियाली थी तब गेहूँ पे, और अब बिल्कुल सूख गए हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे गिर चुके हैं गेहूँ और बिल्कुल काले हो गए हैं हवा की वजह से। परसों रात को बहुत तेज़ तूफान आया था और इसलिए वो गिर चुके हैं। और बहुत अच्छी फसल गेहूँ की। कितना काला मौसम हो रखा है दोस्तों। अभी तो हम वहाँ खेतों से आए थे और अब हम घर में आ रखे हैं और बहुत काला हो गया इतने टाइम में। मौसम बारिश का पूरा मौसम हो गया। भाई चिड़िया कैसे आ रही? अभी अपने घर के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये शाम हुई है वैसे वैसे अंधेरा हो गया। ये चिड़िया अपने घर के लिए जाती है, डेली शाम को ऐसे ही जाती है चिड़िया। आज जल्दी चली गई है, अभी तो 5 बज रहे और अंधेरा देखा चिड़ियों ने यार अपने घर के लिए चले गए। उधर से वो खेत से आते हैं गेहूं खा के, नंबर वाइज से जा रहे हैं। अब दूसरा वो आ गए, लाइन आ गई। शाम का वक्त है, मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, बादल मंडरा रहे हैं चिड़िया। वैसे तो मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है मगर इस समय गेहूं पक रहे हैं तो मन कर रहा है कि बारिश ना आए तो अच्छा है, क्योंकि गेहूं पूरा पका हुआ है और गेहूं ख़राब होने के चांस बन रहे हैं। 25% गेहूं वैसे भी ख़राब हो चुके हैं। मुझे बारिश बहुत पसंद है मगर ये बारिश अच्छी नहीं लग रही है। चिड़िया अपने घर को जाते हुए, शाम का वक्त है, मौसम बड़ा प्यारा है, बहुत सुहाना हो रखा है। हेलो, चारों तरफ काले बादल,
शाम का वक्त, हमारी कॉलोनी में नए नए घर बन रहे हैं और अभी ये रिसेंटली नया घर बन रहा है बहुत बड़ा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।